बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ एक नई और प्यारी सी वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम बनाएंगे स्लीव डिज़ाइन। स्लीव डिज़ाइन बनाने के लिए मेरे पास जो ये फैब्रिक था, इस पर एम्ब्रॉयडरी थी, जिस पर ये बहुत ही कम था, तो मैंने इसकी वेट बढ़ाने के लिए दोनों तरफ प्लेन पट्टियाँ अटैच कर दी। और आज का जो हम डिज़ाइन बनाएंगे, तो वो स्लीव डिज़ाइन हम इस जीपीयू लेस से बनाएंगे। तो चलो हम डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। ये मेरे पास एक फ्यूजिंग पेपर का पीस है, इसे मैंने फ़िलहाल प्रेस नहीं किया है, तो इसे हम फैब्रिक पर प्रेस कर लेंगे। और प्रेस कर लेने के बाद इसकी हम एक एक इंच पर पट्टियाँ कट करेंगे। फ़िलहाल इसे मैंने प्रेस नहीं किया है, मैं बस आपको बता रही हूँ कि एक एक इंच पर हम इसकी पट्टियाँ कट करेंगे। और यहाँ मैंने इसे प्रेस भी कर लिया है और इसकी पट्टियाँ भी कट कर ली हैं, जो एक एक इंच पर कट की हैं। तो कट कर लेने के बाद हम इन पट्टियों को दोबारा से इस तरह से मोड़ते हुए इन्हें प्रेस कर लेंगे, एक बार फिर से प्रेस कर लेंगे दोनों किनारों को मोड़ते हुए। सारी पट्टियों को इसी तरह से मैंने मोड़ते हुए प्रेस कर लिया है। और अब हम इन पर लेस अटैच करेंगे, लेकिन जीपीयू लेस अटैच करने से पहले इसे कट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें लेस का जो पीस चाहिए वो ट्रायंगल शेप वाला चाहिए। तो हम इसे कट कर लेते हैं। बिल्कुल सेंटर से कट करना है और बिल्कुल सीधा सीधा सफाई से कट करना है। तो कट कर लेने के बाद मैंने इस लेस को इस ग्लू के साथ अटैच किया, क्योंकि डायरेक्ट अगर हम सिलाई लगाएंगे तो कहीं से कम हो जाएगी, कहीं से ज़्यादा हो जाएगी, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले मैंने इसको ग्लू से अटैच किया। आपके पास जो भी ग्लू है आप वो यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास ये था तो मैंने इसे ही यूज़ कर लिया। और फिर आराम आराम से, बहुत ही आराम आराम से मैंने इसको यहाँ अटैच किया, ताकि एक जैसे किनारे बाहर की तरफ जाहिर हों, कहीं से अंदर कहीं से बाहर होंगे तो बहुत बुरे लगेंगे। और ये अटैच कर लेने के बाद इसे एक बार फिर से प्रेस कर लेंगे, ताकि ये अच्छे से ग्लू पक्का हो जाए। और प्रेस कर लेने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। फिर मैंने दूसरे किनारे पर भी ग्लू इस तरह से लगाते हुए इसको दूसरी तरफ से भी मोड़ लिया है। दूसरी तरफ भी इस पर ग्लू लगाते हुए अच्छी तरह से इसे दबाकर अटैच कर देना है। और अटैच कर देने के बाद इसे सिलाई मशीन से हम एक पक्की वाली सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि ग्लू हम बस ऐसे ही यूज़ करते हैं, ये इससे अच्छी तरह से पक्का करने के लिए सिलाई लगाना ही ज़रूरी होता है। तो सिलाई लगा लेने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रही है, काफ़ी सफाई से भी बन गई है। अब मैंने एक पट्टी फ़िलहाल यहाँ बनाई है और ऐसी ही बहुत सारी पट्टियाँ मैं बना लूँगी। और ये सारी पट्टियाँ बना लेने के बाद मैंने इन्हें 5 इंचेस पर कट किया, और सारी पट्टियों को 5 इंचेस पर कट करेंगे। इस तरह से कट कर लेने के बाद ये देखिए 5 इंचेस पर है। और सारी पट्टियों को कट कर लेने के बाद हम इन्हें सर्कल में शेप देंगे। मैं बस इसी तरह से आपको बनाकर दिखा रही हूँ, लेकिन ये सर्कल में शेप देने के लिए हमें इन्हें गीला करना पड़ेगा और फिर प्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने ट्रायंगल शेप बनाने के लिए ये एक फैब्रिक पीस लिया और उससे ये चकोर पीसेस कट कर लिए। फिर मैंने इन्हें यहाँ प्रेस से अच्छे से इन्हें शेप दे दी। और सारी जितने भी पीसेस थे सबको शेप दे लेने के बाद अब बारी आती है जी इनको अच्छी तरह से पानी में भिगोने की। तो मैंने खूब सारा इन पर शावर से पानी छिड़कते हुए खूब अच्छी तरह से इन्हें गीला कर लिया। और गीला कर लेने के बाद मैंने इन्हें शेप दी। देखिए मैंने खूब अच्छी तरह से सबको गीला कर लिया है, ताकि कहीं से भी कोई भी पट्टी सूखी ना रहे। और बाद में ये इस तरह से मैंने मोड़ कर रखते हुए प्रेस को, आपको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक प्रेस को रखना ही रखना है। तो सारे मैंने इस तरह से ट्रायंगल शेप और ये सारी डोरियां सर्कल में शेप दे लेने के बाद फिर से जनाब हम आ गए हैं ग्लू वाले काम पे। क्योंकि ग्लू के बगैर मुझे लगता है कि अगर हम डायरेक्ट सिलाई कर लेते हैं तो जो एक्सपर्ट होते हैं वो डायरेक्ट सिलाई करते हैं, वो ग्लू का यूज़ नहीं करते। जो हम जैसे सीखने वाले होते हैं और जिनको सिलाई की इतनी अच्छे से आता पता नहीं होता, तो वो ग्लू यूज़ कर लें तो काफ़ी अच्छा और बेहतर काम हो जाता है। तो बस मैंने ग्लू का यूज़ करते हुए सबको यहाँ एडजस्ट कर लिया, क्योंकि मुझे डायरेक्ट सिलाई करना एकदम से ठीक नहीं लगता और मुझसे अक्सर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो ये ग्लू लगा लेने के बाद सब पे फिर मैंने यहाँ एक सिलाई लगा ली। और सिलाई लगा लेने के बाद फिर एक 2 इंच की मैंने पट्टी कट की, और उस 2 इंच की पट्टी को इस पर रखते हुए फिर से एक सिलाई लगा ली। और ये वाली सिलाई लगा लेने के बाद मैंने इसको खोलते हुए बाहर की तरफ फिर से एक ऊपर पक्की वाली सिलाई लगा ली। ये बस आखिरी पक्की वाली सिलाई है, इसके बाद कोई पक्की सिलाई नहीं। फिर आप चाहें तो यहाँ सुई से टाँके लगा सकते हैं, लेकिन मुझे लगा कि चलो
मैं मशीन से ही लगा लेती हूँ, आप चाहें तो सुई से लगा लेना। मैंने मशीन से लगा ली और ये इस टाइप का स्लीव डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। I'm not afraid to die.